नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किसी भी बैंक का बैंक बैलेंस कैसे चेक करते हैं या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर से एक स्पाइस मनी के एजेंट है या फिर स्पाइस मनी का पोर्टल यूज करते हैं, B2B स्पाइस सुपर पोर्टल अगर से यूज करते हैं और आपने अगर से अभी भी स्पाइस मनी का पोर्टल अगर से लिया है या फिर आपने अगर से अभी स्पाइस मनी का एजेंट आईडी अगर से लिया है और आपको अगर से नहीं पता है कि स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किस तरीके से किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कैसे होता है या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कैसे होता है इसके बारे में आपको अगर से नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि स्पाइस मनी पोर्टल से किस तरीके से किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी होता है या फिर किसी भी बैंक का किस तरीके से बैलेंस चेक होता है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ और वीडियो को सीधा आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया है तो कर लीजिए और जो साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ और वीडियो की ओर आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्पाइस मनी का ऐप ओपन कर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप स्पाइस मनी ऐप को ओपन कर लेते हो, स्पाइस मनी ऐप में आपको एक बैलेंस चेक का ऑप्शन शो होगा। तो आपने क्या करना है, उस बैलेंस चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास है तो उस बायोमेट्रिक डिवाइस को आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप आपका बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद नीचे आपको बताया जाएगा सेलेक्ट बैंक। तो आपने क्या करना है, जिस भी बैंक का आपको बैलेंस इंक्वायरी बैलेंस चेक करना है तो उस बैंक को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो तो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को यहां पर जो तो सर्च करके सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नीचे आपको बताया जाएगा आधार नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उस बैंक के साथ जो भी आधार नंबर लिंक है तो उस आधार नंबर को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको बताया जाएगा कि मोबाइल नंबर, तो आपने क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको एक छोटा सा जो तो बॉक्स दिखाई देगा, तो आपने क्या करना है, उस बॉक्स पर चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद में नीचे आपको बताया जाएगा कि स्कैन टू बैलेंस चेक, तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन शो होगा। तो आपने क्या करना है, स्कैन टू बैलेंस चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आधार नंबर आपने वहां पर एंटर किया है तो उस यूजर का थंब आपको बायोमेट्रिक डिवाइस पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने मेरा ही आधार नंबर वहां पर एंटर किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा थंब जो है तो बायोमेट्रिक डिवाइस पर लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं मेरा बायोमेट्रिक डिवाइस पर थंब लगाता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद मुझे जो है तो मेरा बैंक का नेम शो हो रहा है जो कि है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद नीचे जो है तो मेरे जो बैंक में अभी जो तो अवेलेबल बैलेंस है वो जो है तो यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे जो है तो बताया जा रहा है कि अकाउंट बैलेंस। उसके बाद में नीचे जो है तो आपको यहाँ पर जो तो प्रिंट और जो तो मोबाइल नंबर रजिस्टर का वगैरह जो तो 2 से 3 ऑप्शंस यहाँ पर जो तो शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी या फिर किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो तो आपको लाइव जो तो प्रोसेस करके बताया कि किस तरीके से आप स्पाइस मनी पोर्टल से B2B स्पाइस सुपर पोर्टल से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक या फिर जो तो किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। तो अभी आपको जो तो स्पाइस मनी का आईडी अगर से लेना है, स्पाइस मनी B2B स्पाइस सुपर पोर्टल का एजेंट आईडी अगर से लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया या फिर वीडियो में भी आपको जो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो तो मुझे कॉल करके या फिर जो तो व्हाट्सएप पे चैट करके जो तो स्पाइस मनी का एजेंट आईडी जो है तो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्रेस करके लाइक करो। आपके दिल में अगर से कोई सवाल होगा तो नीचे मुझे कमेंट्स में प्लेस करके जरूर बताओ। और अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखता रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।